हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। रियल एनालिसिस का, इन्फिनिट सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो आज मैं आपके सामने फिर से लेकर गया हूँ। लास्ट दो वीडियोस में भी मेंशन किया था, जो मैंने दो थ्योरम्स आपको कराई थी, वो दोनों थ्योरम्स कितनी इम्पॉर्टेंट हैं वो आज की वीडियो में आपको पता भी लगेगा। और उन दोनों स्टेटमेंट्स को जो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हमने कंपेरिजन सीरीज़ में यूज़ किया था, तो कंपेरिजन सीरीज़ का यूज़ यहाँ पर करेंगे हम आज। तो उस कंपैरिजन सीरीज का यूज़ करने से पहले कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पहले आपको मैं बता दूं कि कंपैरिजन टेस्ट के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, और वो बहुत सारे फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, इस तरीके से बहुत सारी थ्योरम्स हैं। उन सारे थ्योरम्स में जो सबसे मेन स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसी स्टेटमेंट को मैं लेकर गया हूँ, और इसी स्टेटमेंट का मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ भी करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखें, और कैसे इनको अप्लाई करना है मैं उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इनके स्टेटमेंट देखिए, इफ़ समीशन यू एन एंड समीशन वी एन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, हर एक स्टेटमेंट के हर एक टर्म को ध्यान से देखना, सच दैट लिमिट यू एन अपॉन वी एन, इसका जो पहले वाली सीरीज़ है उसका nth टर्म, दूसरी वाली जो सीरीज़ है उसका nth टर्म का रेशियो हमने निकाला, और रेशियो निकालने के बाद लिमिट अप्लाई करें इन्फिनिटी, और लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर हमको मिल गया L, और ये L क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यू अगर आ रही है, अगर नॉन जीरो और फाइनाइट वैल्यू आ रही है, देन बोथ द सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि जो यू एन वाली सीरीज़ है और वी एन वाली सीरीज़ है, ये दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगी, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक कन्वर्जेंट होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगी, या फिर अगर एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। किसका यूज़ करके लिखेंगे हम, कंपैरिजन टेस्ट। फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि अगर आपके पास दो सीरीज़ हैं और उन दोनों सीरीज़ में आपने nth टर्म का रेशियो निकाला, और nth टर्म का रेशियो निकालने के बाद लिमिट अप्लाई करी इन्फिनिटी, और लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको जो आंसर मिला है वो L मिला है, और L कैसी वैल्यू है, एक फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि यू एन और वी एन जो दो अलग अलग सीरीज़ हमारे पास थी, वो दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगी, यानी कि एक अगर कन्वर्जेंट होगी तो दूसरे को आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी, या फिर एक दूसरी डाइवर्जेंट है तो पहली वाली भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो एक सीरीज़ दूसरी सीरीज़ पर डिपेंड करेगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यू एन अपॉन वी एन nth टर्म का रेशियो हमने निकाला और लिमिट अप्लाई करी इन्फिनिटी, और लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिल रहा है वो जीरो मिल गया या फिर इन्फिनिट मिल गया, उस केस में क्या किया जाए। उस केस के लिए हमको अभी, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करी है, तो इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हमको अभी आगे पढ़ने हैं। तो एक टेस्ट अगर फेल होता है तो हमको अगले टेस्ट की ओर जाना होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं। अगर आपको टेस्ट अप्लाई करने आ गए तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए। तो सीक्वेंस में सारे वीडियोस को देखें डिस्क्रिप्शन में जा करके। तो कंपैरिजन टेस्ट आपके आई होप समझ में आ गया होगा। जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसको फिर से रिकॉल करा दूं मैं। हमने देखा था कि अगर हमारे पास समीशन वन अपॉन एन पी, यानी कि वन अपॉन वन की पावर पी प्लस वन अपॉन टू की पावर पी प्लस वन अपॉन थ्री की पावर पी एंड सो ऑन, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट आ रही थी। कब ये कन्वर्जेंट थी? जब पी की वैल्यू वन से बड़ी थी, और डाइवर्जेंट थी जब पी की वैल्यू वन के इक्वल या उससे छोटी थी। तो ये कंपैरिजन सीरीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, इसका पूरा डिटेल प्रूफ मैंने वहाँ पे करवाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका काफ़ी यूज़ होने जा रहा है, एक तो ये और एक कंपैरिजन टेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। कंपैरिजन टेस्ट ध्यान से समझ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए, और ये मैंने पहले वीडियो में करा दिया है। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, मेन क्वेश्चंस। इसके अलावा आप बुक से कंपैरिजन टेस्ट के जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करें। मैं कैसे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करना है उनको आपको वन बाय वन बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस वन अपॉन फोर इंटू फाइव प्लस वन अपॉन फाइव इंटू सिक्स एंड सो ऑन, ये सीरीज़ दी है।
तो ये अगर ये सीरीज़ को हम समेशन यूएन मान लें, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो सीरीज़ दी है उसको आपने यूएन वाली सीरीज़ मान ली, और इस यूएन वाली सीरीज़ का आपको एनथ टर्म निकालना है। तो एनथ टर्म की अगर हम बात करें, तो एनथ टर्म ये सबसे मेन स्टेप है कि आप एनथ टर्म कैसे निकालते हैं इसका। देखिए जो सीरीज़ चल रही है उसमें न्यूमिरेटर 1 आ रहा है, तो एनथ टर्म में भी 1 आएगा। आप देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको एन प्लस 1 लूँ, तो अगला टर्म क्या होगा, एन प्लस 2। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एनथ टर्म कैसे निकालना है। सबसे मेन स्टेप यही है इसमें। 1 अपॉन, इसमें से एन कॉमन लेंगे, इसमें से एन कॉमन लेंगे, तो एन स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एन, और 1 प्लस 2 अपॉन एन। ये यूएन वाली सीरीज़ होगी। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग, देखिए कंपैरिजन टेस्ट में क्या था, कंपैरिजन टेस्ट में मैंने जो स्टेटमेंट आपको बताया उसमें क्या था कि दो सीरीज़ हमारे पास होनी चाहिए, और दो सीरीज़ के एन टर्म्स का आपको रेशियो निकालना है। तो एक सीरीज़ जो आपको खुद से एज्यूम करनी है, उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स करके आपको खुद आइडिया आ जाएगा। हम वी एन को मान ले रहे हैं सपोज़ 1 अपॉन एन स्क्वायर। आपको एक ऐसा टर्म वी एन मानना है जिसका हम जिसके बाद हम यू एन और वी एन का रेशियो लगा कर लिमिट लगाएं, तो एक फाइनाइट वैल्यू हमको मिल जाए। नाउ अब क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन। तो यू एन और वी एन को डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन, 1 प्लस 2 अपॉन एन। लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। तो एक फाइनाइट वैल्यू हमको मिल गई और नॉन जीरो भी मिल गई है। तो कंपैरिजन टेस्ट अब अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमको दो सीरीज़ ऐसी मिल गई है जिनमें हमने एनथ टर्म का रेशियो निकाला, वो रेशियो फाइनाइट आ रहा है और नॉन जीरो आ रहा है। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या हो जाएगा, बोथ द सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास यू एन और वी एन वाली दोनों सीरीज़ हैं, वो दोनों सीरीज़ में अगर एक सीरीज़ के बारे में भी हमको पता लग जाए कि एक सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर एक सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि वो कंपैरिजन टेस्ट की सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है। अब ये जो दोनों सीरीज़ हमने ली हैं, देखो 1 अपॉन एन स्क्वायर वाली जो सीरीज़ है, 1 अपॉन एन स्क्वायर वाली जो सीरीज़ है, हेयर वी एन इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं 1 अपॉन एन की पावर p। एन स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले एन की जगह पे 1 रखेंगे। आप कंपैरिजन सीरीज़ में अगर मैं यहाँ पे देखिए p की जगह पे 2 रख दूँ, तो ये सीरीज़ क्या बन जाएगी, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। और यहाँ वाली सीरीज़ देखिए, आप एन की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर पहला टर्म, दूसरा टर्म 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो ये वाली सीरीज़ बन रही है, और ये सीरीज़ कन्वर्जेंट थी कब, जब पी की वैल्यू 1 से बड़ी थी, डाइवर्जेंट थी कब, जब पी की वैल्यू 1 से छोटी है, उसके इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ है, जो वी एन वाली सीरीज़ है, उसमें पी की वैल्यू क्या आ रही है, हेयर पी इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 2, और 2 क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा जो था उसमें, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अब इसका हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर जो वी एन वाली सीरीज़ है इज़ कन्वर्जेंट, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन टेस्ट हमने लगा दिया था, कंपैरिजन टेस्ट में क्या था कि दोनों सीरीज़ या तो कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट होंगी। अब वी एन के बारे में हमको पता लग गया कि कन्वर्जेंट है, अगर वी एन के बारे में पता लग गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हेंस समेशन यू एन, यानी कि जो गिवन सीरीज़ है वो सीरीज़ भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये बात होगी पहले क्वेश्चन की, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में समेशन यू एन 1 इंटू 2 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 3 इंटू 4 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, 5 इंटू 6 अपॉन 7 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, एंड सो ऑन।
फिर से उसी तरीके से nth टर्म हमको निकालना है यहाँ पे। nth टर्म देखिए क्या बन रहा है इसमें, यहाँ पे 3 आ रहा है, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ऑड नंबर्स को हम क्या लिखते हैं 2n+1 का स्क्वायर। n की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, देखिए आप n की जगह पे 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, जो पहला टर्म है वो 4 है फिर 6 है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2n+2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि n की नेचुरल वैल्यूज़ ही रखनी होती हैं, सीक्वेंस चैप्टर से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 बन जाएगा, 2 रखेंगे 6 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो हमको मिल गया n के टर्म्स में, यानी कि इसका nth टर्म का डिनोमिनेटर हमको मिल गया। अब आते हैं ऊपर, ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है पहले, 1 आ रहा है, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 5। देखिए अगर मैं 2n-1 कहूँ, n की जगह पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1, फिर 2 रखेंगे तो 3, फिर 3 रखेंगे तो 5, तो सारे टर्म्स हमको पहले वाला टर्म मिल गया। अब इसको सोचिए आप, 2, 4, 6, 2 का मल्टीपल, ये तो सिंपल ही है, ये क्या हो गया 2n। तो सबसे मेन स्टेप यही है कि आपको un कैसे निकालना है। ऊपर से n कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे जो पहला टर्म आ रहा है इसमें से n कॉमन लेंगे, और यहाँ ऑलरेडी n है तो n स्क्वायर हो गया, तो 2-1/n और इनटू क्या हो गया 2/, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो बाहर स्क्वायर आएगा, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो फिर स्क्वायर आएगा, तो n की पावर कितनी हो गई 4, 2+1/n का होल स्क्वायर प्लस 2+2/n का होल स्क्वायर, तो ये पावर कैंसिल हो गई तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको ये un वाला टर्म मिल गया square/(n)² (2+1/n) का स्क्वायर इंटू 2+2/n का स्क्वायर। फिर से पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। फिर से हम यहाँ पर vn को क्या मान लेंगे, 1/n² नाउ लिमिट क्या निकालना है आपको, n→∞ un/vn। तो लिमिट n→∞, n² और n² कैंसिल हो जाएगा, अगर यहाँ पे पावर 4 होती तो हमको n की पावर 4 लेना पड़ेगा vn, तो n² से n² कैंसिल होगा, तो आपको सिर्फ ये मिलेगा 1/n का होल स्क्वायर, 2+1/n का होल स्क्वायर, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में था 2, और यहाँ हो जाएगा 2+2/n का होल स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे तो 2-1/∞ 0, 2×2 = 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4 कितना आ जाएगा 1/4। फिर से क्या आ रहा है, फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। तो कंपैरिजन टेस्ट, अब मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, फिर से कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि un और vn दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे। अब हम देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट, लिख लेना आप जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था, vn n² इसका मतलब फिर से n की पावर p, और p क्या आ रहा है 2 > 1, इसका मतलब ये जो सिग्मा vn है कंपैरिजन सीरीज़ का, p की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, उस केस में कन्वर्जेंट था ये, तो इस कन्वर्जेंट, और अगर ये कन्वर्जेंट हो गई तो कंपैरिजन टेस्ट से देयरफॉर सिग्मा un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए हमारे। थर्ड वाले में देखिए आप, सिग्मा un 1/1 × 2 × 3 + 3/2 × 3 × 4 +5/3 × 4 × 5 एंड सो ऑन। इसका फिर से nth टर्म निकालना पड़ेगा, nth टर्म ही सबसे मेन स्टेप है इसमें। देखिए यहाँ पे n, फिर उसमें 1 और उसमें फिर 2 टर्म ऐड करके मिल रहा है, तो n n+1 n+2, ये तो सिंपल हो गया। ऊपर देखिए आप, 1 फिर 3 और 5, अभी पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि क्या बन जाएगा 2n-1, तो एक n यहाँ से कॉमन लेंगे, 2n यहाँ से कॉमन आएंगे, तो ये हो जाएगा n 2-1/n, एक n ऑलरेडी है, एक n यहाँ से, एक n यहाँ से, तो n³ हो जाएगा 1+1/n 1+2/n, तो ये फिर से कैंसिल होकर के स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो गया 2-1/n /
एन स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 2 अपॉन n। अब आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि हमको जो दूसरी सीरीज़ वी एन लेनी है वो क्या होगी, वो क्या होगी, 1 अपॉन n स्क्वायर। फिर से आपको क्या निकालना है, कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन लगानी है या यू एन अपॉन वी एन। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म्स क्या बचेंगे न्यूमिरेटर में, ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n यहाँ बचेगा और 1 प्लस 2 अपॉन n यहाँ बचेगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा 1। फिर से क्या आ रहा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फिर से कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट आप लिख लेंगे कि कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो यू एन और वी एन या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे या फिर दोनों डाइवर्जेंट होंगे। फिर वी एन वाली सीरीज़ को फिर से देखिए, 1 अपॉन n स्क्वायर 1 अपॉन n की पावर p, और जो p है फिर से क्या आ रहा है, 1 से बड़ा। तो इसका मतलब समीशन वी एन जो हमने खुद से मानी थी इज़ कन्वर्जेंट, देयरफॉर जो गिवन सीरीज़ है वो भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। किसका यूज़ किया हमने, कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन सीरीज़ का। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए पहले पार्ट के, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, ये भी ऐसा क्वेश्चन है, कंपैरिजन टेस्ट का ही क्वेश्चन है। इसमें जो आपको टर्म्स दिए हैं समीशन यू एन, ये है 2 अपॉन 1 की पावर p, 3 अपॉन 2 की पावर p, 4 अपॉन 3 की पावर p एंड सो ऑन। यू एन की बात करें तो यू एन यहाँ पर क्या है, 1 यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब नीचे n है तो ऊपर क्या है, n+1, उससे एक ज़्यादा आ रहा है टर्म। तो टेकिंग जो नई सीरीज़ हमको लेनी है उस सीरीज़ को मैं मान लेता हूँ सपोज़ n अपॉन n की पावर p, यानी कि 1 अपॉन n की पावर p-1 ले लिया। ऐसा क्यों लिया, अभी आपको देखिए लिमिट लगाने के लिए कंडीशन बड़ी आसान बन जाएगी। अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको क्या निकालना है, यू एन अपॉन वी एन निकालना है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन, n+1 अपॉन n की पावर p, और इसको वी एन से डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, n की पावर p-1 अपॉन 1। तो n की पावर p तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1, और ये n की पावर -1 बचेगी जो अपॉन में आ जाएगी इसके। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n 1 हो गया +1 अपॉन n, इसीलिए हमने वी एन ये माना हुआ था। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, फिर से क्या आ गया, फाइनाइट आ गया एंड नॉन जीरो आ गया, फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। इतना तो क्लियर है, अब हमको कंपैरिजन सीरीज में आना पड़ेगा। नाउ जो वी एन है समीशन, या वी एन मैं लिख रहा हूँ सीधे, 1 अपॉन n की पावर p-1, फिर से अपने उसी कल वाली जो हमने थ्योरम करी थी पहले, उस थ्योरम के स्टेटमेंट का फिर से यूज़ करेंगे। 1 अपॉन n की पावर p में अगर p 1 से बड़ा होता था तो ये कन्वर्जेंट था, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। केस 1, व्हेन p-1, जब p 1 से बड़ा होता है, p की जगह पे यहाँ पे p-1 है तो ये 1 से बड़ा होगा, यानी कि p किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। देन सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट, और अगर सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट होगा तो ऑटोमेटिकली सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। केस टू में देखिए आप, ये जो पी की वैल्यू 1 के इक्वल है उससे छोटी होती थी उस केस में डाइवर्जेंट होता था, यहाँ पे पी की जगह पे क्या है, p-1। तो व्हेन p-1 <= 1, यानी कि पी जो है <= 2 होगा, देन सिग्मा वी एन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। और अगर सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट होगा
तो कंपैरिजन टेस्ट से सिग्मा यू एन यानी कि जो सीरीज़ आपको दी है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन, बस आपको कैसे वी एन मानना है सबसे मेन स्टेप इसमें यही है, आपको यही समझना है इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो सीरीज़ हमको दी है समेशन यू एन, क्या दिया हुआ है हमको, 1/(1+2)-1, 2/(1+2)-2, +3/(1+2)-3, एंड सो ऑन। हेयर यू एन, अब आप सोचिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए कि यू एन वाला टर्म जो है वो टर्म क्या होगा यहाँ पे। वन तो सब में एडिशन में आ रहा है तो वन तो आना ही है, यहाँ वन आ रहा है तो यहाँ टू आ रहा है। इसमें जो टू है बेस वाला टू उसमें सब में सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इसके एनथ टर्म में भी टू तो आएगा ही आएगा, पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी आएगी। अब आप देखिए यहाँ वन है इस वाले टर्म में, यहाँ वन है तो यहाँ भी वन आ रहा है, टू है तो पावर भी टू आ रही है, थ्री है तो पावर भी थ्री आ रही है। इसका मतलब यहाँ अगर मैं एन ले लूँ तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। बस ऐसे करके आपको समझना है इसको। तो ये हो जाएगा n/(1+1)/, नीचे जा करके पॉजिटिव, और ये जो सीरीज़ आ रही है आप कंपैरिजन टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली भी आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। देखिए अगर मैं लिमिट लगाऊं यूएन में एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी n/(1+1)/2n हो गया, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये जो अपॉन में इन्फिनिटी है वो 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी/1। देखिए 2 की पावर, ये 2 की पावर n नीचे है तो 1/(1)-0, 1+0, 1, ऊपर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है इसमें, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। कैसे, आप ये ना करना चाहें तो वैसे ही वी एन वाला टर्म मान लो आप, क्या वी एन आप मान लो 1/(n)। नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn अगर हम निकालेंगे तो n तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/(1+2)-1/(2)-n। लिमिट लगाएंगे तो 1/(1)-0, 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। तो कंपैरिजन टेस्ट ये नॉन जीरो आ गया, फिर से नॉन जीरो एंड फाइनाइट, नॉन जीरो और फाइनाइट आ गया, तो कंपैरिजन टेस्ट यूज़ हो जाएगा। कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट आप लिख लें। फिर से हम वी एन वाली सीरीज़ को देखेंगे तो 1/(n) आ रहा है, तो 1/(p) हो गया, इसका मतलब p की वैल्यू क्या हो गई, 1 के इक्वल। आते हैं उस फॉर्मूले में फिर से, p की वैल्यू अगर 1 के इक्वल होती थी तो सीरीज़ क्या होती थी, डाइवर्जेंट। इसका मतलब समेशन वी एन इज़ डाइवर्जेंट, और समेशन वी एन अगर डाइवर्जेंट होगा तो कंपैरिजन टेस्ट से समेशन यू एन जो गिवन सीरीज़ है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये आप इसको ना, इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो आप इसको छोड़ दें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कंपैरिजन टेस्ट आज आपको बताया, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, और कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएं। आप बुक से इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करें। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगले टेस्ट के साथ हम फिर से मिलेंगे।